हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रश्नावली 5.3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि फर्स्ट नंबर पहला है। यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 2 से लेकर 10 तक जितने भी समांतर श्रेणी दिया, सबको जोड़ने पे कितना आता है वो हमें निकालना है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो पहला पद हमारा दिया हुआ 2, तो लिखते हैं ए इज इक्वल टू 2, और कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाल सकते हैं डी बराबर 7 - 2, तो यहाँ लिखते हैं डी इज इक्वल टू 7 - 2, यानी सॉल्व करें तो 5 आ जाएगा। और 10 पदों तक योग हमें ज्ञात कर रहे हैं, यानी एस एन निकालना है, तो एस 10 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें निकालना है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है एस एन का, उसको लिखते हैं। एस एन इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला एन बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट देते हैं। योगी फॉर्मूले इसी फॉर्मूला में बैठा के हम लोग सॉल्व कर देते हैं। पहले क्या n बाय 2 दिया है, n की जगह कितना है हम लिख सकते हैं 10 है, 10 पर तो निकालना, तो 10 लिख सकते हैं, तो 10/2 एस एन यहाँ लिखा, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे एस 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट है 2 की जगह 2 लिखेंगे, और a का मान कितना दिया हुआ यहाँ पर लिख सकते 2 दिया हुआ, तो 2 लिखते हैं प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 10 - 1, और d का मान कितना है 5 निकल चुका है 5, तो 5 लिखते हैं, ब्रैकेट बंद। अब 10 को 2 से भाग देंगे, 2 × 5 = 10, 5 बार में कट गया, ये लिखेंगे 5 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 10 में से घटाएंगे कितना जाएगा 9, यहाँ कितना बाहर में 5 × 5, और 5 की जगह पर 5 उतार देते हैं ब्रैकेट में। अभी हम क्या करेंगे, हमें देख सकते हैं, तो बोर्ड मास का नियम सब यूज कर देंगे, ठीक है। बी ओ डी एम, यानी एम में गुना, पहले गुना करेंगे तो 4 की जगह 4 रहने देंगे प्लस 9 × 5 = 45, पैंतालीस है और इसमें 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 × 4 = 9, यानी 49 हो जाएगा, यानी 5 को 49 से गुना करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखते हैं 5 × 45, 45 × 5 हाथ में कितना बचिए 4, 5 × 20, 20 × 4 = 24, कितना हो गया 245। तो ये हमारा आंसर निकल गया, इन सबको जोड़ेंगे कितना होगा 10 पदों तक कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। इसका आगे का जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।